फायदा नहीं है, वो सुनते नहीं है, उनको सिर्फ वसूली से मतलब है। वो यहाँ के वाजे बने हुए हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे लोगों की तकलीफ है, इतना भरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, कुछ नहीं हो रहा, अतिक्रमण हो रहा है। आवड़ेकर साहब जो यहाँ के सहायुक्त हैं, उनको मैंने खुद फोन करके कहा। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई के प्रभाग आई में। ये वार्ड नंबर 113 है, वाल्मीकि नगर इस जगह का नाम है और कोलीवाड़ा के नाम से ये मशहूर है। बाजू में कोलीवाड़ा है, हमारे पीछे कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी समस्याएं और परेशानी है जो स्थानिक समाज है, आदिवासी समाज है, उनको कुछ समस्या है। हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं शिवसेना महिला आघाड़ी की प्रचार प्रमुख हूँ, आदिवासी संगठन के अध्यक्ष हूँ वाल्मीकि नगर। मैं माझं नाव कल्पना पांडुरंग गंभीर आहे। हे आमचं आदिवासी समाजाचं म्हणजे समाज कार्य आम्ही इथे कार्यक्रम करत असतो या जागेवरती। या जागेमध्ये काही लोकांनी अतिक्रमण करायला घेतलेलं आहे, घरं बांधायला घेतले आणि डम्पिंग ग्राउंड तयार झाले। हा जो स्पॉट आहे मैदान, ही आमची लोक, आमच्या महिला, आमचे गावातली गावकरी, ही सगळे आम्ही हर वर्षी स्वच्छता इथे करतो। आणि इथे आता नगरपालिका सुद्धा लक्ष देत नाही, कोणीच काही लक्ष देत नाही। इथे बघा, आता जो जे लोक कॉन्ट्रॅक्टदार कामं घेतात आणि इथे सगळं राबीट, सगळी घाण कचरा सगळा इथे जमा केलाय। अक्षरशः मुलांना आमच्या खेळायला सुद्धा जागा राहिलेली नाही। तर अशा याच्यामध्ये आम्ही इथे कसं राहायचं, कसं वावरायचं, आमची मुलं कुठे खेळणार, या घाणीमध्ये आम्ही कसं राहायचं? आप लोग के कितने परिवार यहां इस बस्ती में रहते हैं? याच्यामध्ये परिवार जवळजवळ आमच्या इथे ह्या वाल्मीकि नगर मध्ये प्लस आमची जवळजवळ 250 तरी आमची घरं आहेत। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है की इधर सब स्वच्छता होनी म्हणती, सगळं साफसफाई झाली पाहिजे इकडे। ही अशी घाण दिसता कामा नये। आमच्याकडे लहान मुलं इथे खेळतात, उद्या त्यांना रोगराई झाली कोण बघणार आहे? आणि आता गरीब वस्ती, या मुलांकडे कोण लक्ष देणार? पण आपका नाम क्या है? लता करदेले। आप क्या कहना चाहेंगे आपकी इधर की परिस्थिति? तेच सांगायचं का, इकडे कोण पण येतं राबीट टाकतं, घर निघून जाते। आलाकच इकडे घाण आहे बघा, आम्ही छोटी छोटी मुलं घेऊन होळीला जात सफाई करतो। या इथे सगळं हे बघा, हे सगळं छोटी छोटी मुलं घेऊन आम्ही लोक साफ करतात। महानगरपालिका प्रशासन को शिकायत किया? शिकायत केलं, आते ही नाही करणे, लांबूनच बघून जातात। किन किन लोगों को आपने शिकायत किया? आपने लिखित में भी शिकायत किया? हाँ, ये हमारी मैडम करती है ना। अभी प्रॉब्लम ये है ना कि नगर पालिका वाले सुनने वाले नहीं है। यहाँ कई बार विकास पार्टी, मेरा नाम तस्नीफ शेख है, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष हूँ वसई जिला का। यहाँ की जो स्वच्छता जो निरीक्षक हैं विकास पाटिल साहब, वो पहले जो थे वो इंजेक्शन लगाने के ऊपर, लस टोचन के ऊपर उनकी नियुक्ति हुई थी। गलत आदमी जो है वो स्वच्छता निरीक्षक बना हुआ है यहाँ पे। उसको बोल बोल के फायदा नहीं है, वो सुनते नहीं है, उनको सिर्फ वसूली से मतलब है। वो यहाँ के वाजे बने हुए हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे लोगों की तकलीफ है, इतना भरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, कुछ नहीं हो रहा, अतिक्रमण हो रहा है। आवड़ेकर साहब जो यहाँ के सहायुक्त हैं, उनको मैंने खुद फोन करके कंप्लेन की थी, वो नहीं सुनते हैं, ये लोग नहीं सुनने वाले हैं। आपने इनसे ऊपर मुख्यालय में कंप्लेन किया हुआ? नहीं, इसके ऊपर जो है मैंने, आप आज के वक्त में आप जानते हैं कि 10 दिन से आयुक्त साहब है नहीं। देरकर साहब को फोन किया था, हमेशा की तरह वो उठाते नहीं है, कोई और अधिकारी वहाँ पे फोन उठाता नहीं है। आवड़ेकर साहब मिलते नहीं है, विकास पाटिल को अपनी उगारी से ही फुर्सत नहीं है, तो कौन यहाँ पे करेगा? ये तो लावारिस बने हुए हैं यहाँ पे। आज के वक्त के अंदर पूरी झोपड़े पट्टी बन जाएगी, फिर एक नया धारा भी बन जाएगा यहाँ पे। आपने तहसील में या तहसील प्रशासन? नहीं, तहसील से नहीं मिले, नहीं तहसील साहब से अभी तक बात नहीं हुई, मैडम से बात नहीं हुई। आखिरी और पहली और आखिरी मांग क्या है? बस इस जगह को संरक्षित करिए, साफ सफाई रखिए। लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, उसके लिए जगह को साफ रखिए। और क्या चाहिए हम लोग, और क्या मांगे हमारी? लेकिन ना विकास पाटिल सुनने को राजी हैं और ना ही सहायक सुनने को राजी। आई प्रभाग के लावारिस कर दिया है, कुछ नहीं, जिसकी जो मर्जी है वो करे, यहाँ पे अंधा कानून चल रहा है। इसको जगह को साफ कीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहते हैं, और संरक्षित की जाए, जो भी गंदगी पड़ी हुई है जल्द से जल्द किया जाए, वरना अगले हफ्ते कोरोना हो चाहे ना हो, इन सबको लेके हम आई प्रभाग पहुंच जाएंगे। तब उनको समझ में बात आएगी कि कैसे साफ सफाई की जाती है। जितने भी ये हैं वाल्मीकि नगर वाले, इन सबको लेके हम आई प्रभाग पहुंच जाएंगे। तब देखते हैं आवड़ेकर क्या करते हैं और विकास पाटिल क्या करते हैं। तो यहाँ अभी ये वाल्मीकि नगर के लोग जमा है, किस तरह से ये अपनी परेशानी बता रहे हैं। और अभी हाल ही में जिस तरह से हम जानते हैं कि ये मौसम ऐसा है, इस मौसम में सबसे ज्यादा मच्छर जो है वो पसरते हैं, मच्छर पनपते हैं। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो है, एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर बचाव और उपाय योजना की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी बीमारियां हैं, जो मच्छर से फैलने वाली बीमारी हो, गंदगी से फैलने वाली बीमारी हो,
उनके प्रति लेकर महानगर पालिका किसी तरह की गंभीरता बिल्कुल नहीं दिखा रही, ये इनका आरोप है। तो अब देखना यह है कि इसके बाद क्या आज के इस वीडियो के बाद में महानगर पालिका जागेगी, यह सवाल बड़ा है। देखते हैं हम इस आज की रिपोर्ट के बाद में अगली एक और रिपोर्ट जल्द ही बनाने आएंगे। तब तक का आज और उस वीडियो के बीच में कितना गैप है और उसमें क्या परिस्थितियां बदलती है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। वसई से यूसुफ। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।